हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बॉटल का ग्लास बनाना सिखाया था। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ अमेजिंग क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अमेजिंग क्राफ्ट बनाने के लिए आपको कलर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको पेपर लेना है, और उसके बाद आपको ये वाला पार्ट पकड़ना है और इसे यहाँ पर ऐसे ला करके अच्छे से दबा देना है। फिर ये मैं इसे अच्छे से दबा दे रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हल्का सा जिस तरह बड़ा हो उसे आपको एकदम बराबर कर लेना है, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। ये मैं यहाँ पर अच्छे से बंद कर दिया हूँ इसको। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पेंसिल लेना है। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर पेंसिल ले लिया हूँ, और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना है। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले से कट कर लिया, मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट कट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पेपर को ऐसे करके हाफ पार्ट में ऐसे करके यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया, और इसे अच्छे से दबा दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसे फोलना है, और फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर इसे ऐसे करके बंद करना है। देखिए फ्रेंड, मैं इसे ऐसे करके यहाँ पर बंद कर लिया है, और ये अच्छे से बराबर रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स, आपको इसे खोल लेना फिर से। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर ऐसे करके लाना है, और उसके बाद इसे अच्छे से दबा देना है। और फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइन खींच गई, यहाँ पर आपको ऐसे करके ये वाला पार्ट भी ला करके बंद कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी बंद हो गया, और आपको ये वाला पार्ट भी ऐसे लाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी अलग बंद हो गया, और आपको ये वाला पार्ट भी ऐसे ही बंद कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी मैंने बंद कर लिया, इसे अच्छे से दबा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसे सीधा कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिर से लाइन खींची हुई है इसके हिसाब से आपको फिर से ऐसे करना है। फिर से आपको यहाँ से फिर से ऐसे लाना है। और ये वाला पार्ट भी आपको ऐसे करके बंद करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये वाला पार्ट भी इसे को बंद कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से यहाँ पर दबा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से सीधा करना है, और फिर से फ्रेंड्स आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक ले आना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पर ला दिया, और फिर ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर फिर से ला देना है, और ये वाला पार्ट भी ऐसे लाना है, और ये वाला पार्ट भी आपको ऐसे ही ला देना है, और इसे अच्छे से आपको दबा देना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे अच्छे से दबा दिया हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से इसे सीधा करना है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे सामने सामने से इसको ऐसे यहाँ पर जो ऐसे हल्का सा कट है आपको ऐसे इसको पकड़ना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे इसको खोलना है। देखिए फ्रेंड, मैं इसे अच्छे से खोल दे रहा हूँ उसको। और फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर भी इसे करके यहाँ पर आपको ऐसे करके बंद कर देना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसी तरह आपको यहाँ पर ऐसे करके बंद करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाला पार्ट भी ऐसे करके यहाँ पर खोलना है, और यहाँ पर ऐसे करके इसे बंद करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से बंद कर लिया दोनों तरफ। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो ये दो पार्ट हैं इसे आपको गम से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चलिए पहले गम लगा करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं।
देखिए फ्रेंड, मैंने गम ले लिया है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको उसके अंदर गम लगा लेना। पहले आपको इसकी यहाँ पर साइड साइड में गम लगाना और उसे अच्छे से फैला देना है। और ये वाला पार्ट भी आपको ऐसे करके बंद करना है और फ्रेंड्स आपको इस तरफ भी गम लगा करके इसे भी पेस्ट कर देना है। और फ्रेंड्स आपको इसके अंदर भी गम लगा देना है साइड साइड में। देखिए मैं यहाँ पर गम लगा ले रहा हूँ और इसे अच्छे से पेस्ट कर दूँगा। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा इसे चिपक बन गया है इस पर। अब इसी तरह फ्रेंड्स आपको ये वाला पार्ट भी गम लगाने के बाद इस पर पेस्ट करना है। पहले फ्रेंड्स इस पर गम लगा लेंगे, उसे भी फैला करके इसे पेस्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स ये वाला पार्ट भी आपको उस पर गम लगा लेना है और गम लगाने के बाद इसको भी पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अब इसके अंदर आपको गम लगा लेना है फैलाने के बाद इसे भी आपको ऐसे करके पेस्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट इस यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ी देर तक इस पर सूखने के लिए रख देना है। चलिए पहले से थोड़ी देर तक सूखने के लिए रख। हमारा ये सूख गया है और मैंने फ्रेंड्स इसके पीछे भी गम लगा करके पीछे भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स आपको किसी दूसरे कलर का पेपर ले लेना है और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना कि ये वाला पेपर इसके अंदर चला जाए। देखिए फ्रेंड मेरा ये वाला पेपर इसके अंदर चला गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको स्केल लेना है। फ्रेंड्स आपको स्केल लेने के बाद इस पर लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिएगा मैं आप लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह फ्रेंड्स आपको पूरा सारे में इसी तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स पूरे में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। चलिए इससे जहाँ ये यहाँ से आपको सीजर से इसे काटते हुए आपको यहाँ तक ले आना है, उसके आगे नहीं ले जाना। देखिए फ्रेंड मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, चलिए इसे कट कर लेते हैं। चलिए पहले से मैंने इसे कितना पतला पतला करके काट लिया है। देखिए फ्रेंड मैंने इसे इतना पतला पतला करके काट लिया। लाइन ड्रॉ जो हमने किया था वहाँ तक हमने यहाँ से इतना काटा है। अब आपको ये जो हमने यहाँ पर बनाया है आपको इसके अंदर गम लगाना है और इसके बाद इस पर इसके अंदर डाल करके पेस्ट कर देना है। अब चलिए पहले इसके अंदर पहले गम लगा लेते हैं। तो पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऊपर गम लगा लेना है और इसे आपको अच्छे से फैला लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके पीछे भी गम लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड मैंने गम लगा लिया है। अब चलिए इसके अंदर लगा करके इसे पेस्ट कर दें। ये देखिए फ्रेंड मैं इसके अंदर इसको डाल दे रहा हूँ और इसे अच्छे से दबा दूंगा ताकि ये अच्छे से इस पर पेस्ट हो जाए। देखिएगा मैं इस पर हल्का सा इसे दबा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से इस पर पेस्ट हो जाए। अब चलिए फ्रेंड्स इस पर थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स पर थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक फ्लावर जैसे मोती ले लिया है और मैंने ये वाला गम ले लिया है। अब पहले हम इस पर गम लगा लें। ये देखिएगा मैं इस पर गम लगा ले रहा हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके एकदम सेंटर में यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। तब तक फ्रेंड्स ये हमारा ये सूखता रहेगा तब तक हम जो मार्कर लिए हैं इससे डिजाइन बना लेते हैं। फ्रेंड्स आपको मार्कर लेना है और फ्रेंड्स आपको इसके साइड साइड में ऐसे करके मार्कर चला देना है ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। चलिए फ्रेंड्स इस तरह हम सारे में सेंटर में बॉर्डर में मार्कर चला लेते हैं। मैंने यहाँ पर मार्कर से यहाँ पर ऐसे लंबी लाइन खींची है। उसके बाद इससे छोटी, उसके बाद फिर बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटी, इसी तरह मैंने इससे डिजाइन बना लिया है। और फ्रेंड्स मैंने इसके बॉर्डर में ऐसे मार्कर से लाइन बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स हम इसे अपने घर पर डेकोरेट कर सकते हैं, पार्टी में, बर्थडे में, आप कहीं भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बन गया है। कितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।